नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। राजमहल कॉल परियोजना ईसीएल अलमटिया कोयला खदान हर पल सुर्खियों में रहा। रैयत द्वारा ईसीएल को जमीन नहीं देने पर आदिवासी लोग पारंपरिक हथियार के साथ आंदोलन करते आ रहे हैं, जिसके कारण कोयले की आपूर्ति में काफी कमी आई है। वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या खड़ी है ईसीएल अलमटिया में। बसडीहा गाँव लौंडिया बाजार के रैयतों ने जमीन तो दे दी, लेकिन उसके बावजूद भी मुआवजा और नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, क्योंकि जमींदाताओं का घर टूट गया है, घर से बेघर हो गए हैं। दर्जनों रैयतों ने साहस और हिम्मत दिखाते हुए जान को जोखिम में डालते हैं ईसीएल द्वारा मिट्टी कटाई कार्य को रुकवा कर अपने घर के पास लाल झंडी गाड़ दी है और टूटा फूटा घर में फिर से बच्चे परिवार ठीक खदान से सटे रहना शुरू कर दिया, जिससे कभी भी जमींदाताओं के साथ बड़ी घटना हो सकती है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन रहेगा। रैयतों ने मांग की है कि पहले मुआवजा दो, पुनर्वास के लिए जमीन दो, उसके बाद मेरे जमीन से खुदाई कर कोयला निकाल सकते हैं। गोड्डा से दिवाकर कुमार शर्मा की रिपोर्ट। नाम हो गया मैनेजर है। क्या समस्या? समस्या यही जमीन का, जमीन का अभी पैसा नहीं मिला है, कुछ थोड़ा मिला है, पूरा पेमेंट नहीं मिला है, अभी काट रहा है, तो वो पूरा पेमेंट कर दीजिए और कटिए। इसलिए आप लोग रोके हुए हैं? हाँ। कब तक रोकेंगे आप लोग? और जमीन घर का भी नहीं नापी तो हुआ, कुछ वहाँ भी नहीं हुआ है, और प्लॉट भी नहीं मिला है। सर्वेक्षण पर सर्वेक्षण नहीं किया? नहीं। क्या नाम हो गया मैनेजर? कौन सा जगह है ये? हाँ, ये बसडिया का। बसडिया? क्या आपका नाम हो गया? दक्षिण किसको? कौन सा जगह है ये? बसडीहा। आपका घर बसडीहा में है? जी। तो यहाँ ईसीएल परियोजना द्वारा जो मिट्टी कटाई हो रहा है, खदान बनाया जा रहा है, क्या आप लोग